अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं तो आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। और अभी जो है आज माशाल्लाह से पहली तरावी होगी। मैं अभी किचन में हूँ, आपको पता है काम वाली नहीं है, तो सारी सफाइयाँ बर्तन शर्तन सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। सफाई हो गई है, खाती हूँ आपको। बच्चे खेल रहे हैं वैसे बाहर, तो सफाई वगैरह सारी फिनिश करने के बाद जो है मैं देखें जी कमरे वगैरह भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं मैं, ठीक है। चादरें वगैरह मैंने सीधी कर दी है। वकास के ताया अबू लोग आ रहे हैं उम्रे की मुबारक देने के लिए। वकास का कल पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह। किचन में देखें कितना साफ नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ दही बल्ले, और साथ में जी हम बना रहे हैं रस मलाई। खाना वो लोग कह रहे थे हमने नहीं खा, रीज़न ये है क्योंकि सब ने सहरी करनी है, तो अभी खाना खा लेंगे तो वो बोल रहे थे फिर सहरी नहीं की जाएगी, तो ये तो सही बात है। मैंने कहा यार बुरी बात है, मिठाई तो है, चलो आगे रखने के लिए मेरे कुछ होना चाहिए ना, तो मैं चल जल्दी दही बल्ले वगैरह बनाती हूँ और बस फिर हमारे काम खत्म। अच्छा अबू भी आए थे मुबारक देने, वकास के कपड़े भी लेकर आए थे, तो वो सुबह चले गए थे। यूसुफ और चंदा आए थे, वो रुके थे रात को क्योंकि यूसुफ ने सुबह भराई वगैरह पे खड़े होना था वकास के साथ। तो मैंने अम्मी के कपड़े, चंदा के कपड़े जो गिफ्ट देने थे, अम्मी के एक दोस्त थे उनका ड्रेस भी गिफ्ट चंदा के हाथ ही भेज दिया था। पर मेरे पर इतना लोड था काम का, इतना लोड था, सफाई, खाना सर्व करना, उठाना, चाय बनाना, ये वो, ऊपर से बलाज गोद से उतरने रहा था। तो मैं एक भी क्लिप जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी। रात को पिज़्ज़ा वगैरह भी मंगवाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अब शुक्र किया मुझे आज काम वाली मिली है। ओके भाई, तो मेहमान चले गए हैं, बस अब मैं खाना के बर्तन जो है वो हाथ के हाथ धो रही हूँ, थोड़े से रह गए हैं। तो अरमिश रस मलाई मांगी थी, देखें क्या किया है फिलहाल। और यहाँ पे बलाज और भाज मेरे सिरहाने बैठे हुए हैं, रस मलाई थोड़ी सी बची है, मैंने कहा चले आपको दिखा देती हूँ। दही बल्ले तो बिल्कुल ही नहीं बचे थे, तो ये है जी रस मलाई, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या काम था, हाँ बर्तन जो है वो हाथ के हाथ धो के बस फिर, क्योंकि सहरी का टाइम हो जाएगा। अब सहरी की समझ नहीं आएगी, देखना कि अभी हम सोएंगे और साथ ही सहरी का टाइम हो जाएगा। तो बस अभी जल्दी काम खत्म करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सोती हूँ, फिर सहरी पर उठूँगी, फिर रिकॉर्ड करूँ। ठीक है भाई, तो ये सहरी का टाइम हो गया है, ये पहली सहरी है। तो मैंने दो पराठे बनाए थे अपने और वकास के, बच्चे जो है ना इस सहरी पर सो गए थे और दूसरी सहरी पर भी सोए रहे थे, तीसरी सहरी पर उन्होंने बहुत तंग किया था। अच्छा खैर जी, तो यहाँ पे अब चाय बना रही हूँ। वकास आपको बताया दही के साथ खाते हैं शक्कर रात को, तो अंडा नहीं खाते सहरी पे वो, और मैं जो है पराठा चाय में डिप करके खा लेती हूँ। बस अब सीधा हम इफ्तारी पे चलेंगे। इफ्तारी पे मैंने बनाई थी जी आलू की टिक्कियाँ, समोसे, कचौरी मैंने फ्राई की थी, और साथ में शक्कर कोला और खजूरें थी, और रस मलाई जो रात को बनाई थी वो भी बची हुई थी, वो भी थी साथ में। और खाना जो है ना हमने नान खा लिए थे आलू के पकौड़ों के साथ, क्योंकि यार इन दिनों ना मेरे पर काम का लोड था ना कि मैंने खाने को ही इतने अच्छे वच्चे नहीं बनाए, बस जो जल्दी जल्दी में बन सकता था बना लेती थी, बाहर से मंगवाते थे तो बाहर से मंगवा लेते। ये हमारा हो गया है, तो मलंगा मैंने भिगो के रखा हुआ था। इतने दफा मैंने शक्कर कोले की रेसिपी बताई है, फिर भी सब पूछते रहते हैं। तो पहले तो तुख मलंगा साफ करके भिगोना होता है, ठीक है, उसके बाद जो ऊपर का पानी होता है वो फेंक देते हैं, फिर शक्कर भिगोनी होती है, शक्कर को छान लेते हैं, और बर्फ मिला लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं डालता इसमें, ना कोई चीनी ना कोई और चीज़, गूंद का तीरा डाल सकते हो। हाँ अलबत्त आप, तो यहाँ पे जो है मैंने कचौरी फ्राई की है, ये खाना आया हुआ है एक पेशे से, खाना तो नहीं है सारा कुछ स्वीट्स ही स्वीट्स हैं। अच्छा ये है जी सेकंड रोज़े की अफ्तारी बना रही हूँ मैं, और पता नहीं सहरी की वीडियो मैंने क्यों नहीं रिकॉर्ड करी। खैर मैंने थर्ड सहरी की वीडियो रिकॉर्ड की है, मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप कर लिए थे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे पता आप लोग व्लॉग मिस कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा था कि बस उम्रे पर जाके वहाँ की और सहरी की अफ्तारी दिखाऊँगी आप लोगों को अगर टाइम मिला तो, लेकिन चलें आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप शेयर कर देते। अब आज क्या कर रहे हो, आप मामा के साथ जाओगे एरोप्लेन में बैठ के, अम्मी के पास नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे, गाड़ी लेने जाओगे, मैं आपके लिए बड़ी सारी गाड़ी लाऊंगी वहां से, ठीक है। ओके भाई, तो अभी हम लोग इफ्तारी कर, मतलब हम लोगों ने ना खजूर खा के रोजा खोल लिया है। वकास जो है ना एन इफ्तारी के टाइम वकास हाफ फ्रूट लेकर आए, ठंडा भी नहीं हो सकता वो। अरमिश और बलाज के एक खा रहे हैं, तसीर आप क्या खा रही है, पकौड़ा कैसा बना है, और अब तरबूज और खरबूजा जो है वो बस खजूर खा के मैंने दुआ मांग के रोज़ा खोल लिया है, बस अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ। हैं जी मेरे ईद के ड्रेसेस, और ये मैंने ऑर्डर किए थे महरीन धनानी से, और ये मैंने खुद बनवाए थे उनको डिज़ाइंस बता के कि मुझे ऐसा चाहिए, इस कलर में चाहिए, तो दो आगे हैं, एक अभी नहीं आया है। मैंने एडवांस इसलिए बनवा लिए थे कि पता नहीं वापसी पर मुझे, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मुझे पता है मेरे पास काम का बहुत लोड होगा, चैनल की वीडियोज़ लगानी होंगी मुझे बहुत ज़्यादा। आटा गूंद रहे हैं और ये बच्चे सोने का नाम नहीं ले रहे, क्यों नहीं सो रहे हो, हटो इसके पास से, नहीं करो बलाज, नहीं करो खराब हो जाएगी, नहीं करो गोद में चढ़ाओ, ये देखो दस,
पे जो है मैंने मेकअप इसलिए किया हुआ था कि मैंने मेकअप की वीडियो शूट की थी, तो मैं सारी रात जागी हूँ सेहरी बना के, फजर की अजान के बाद मैं सोई हूँ। अच्छा भाई, तो आज मेरा दिल करा था कबाब खाने का, वकास इज़ यूजुअल अपना दही शक्कर के साथ खाने, खजूर भी रखी है सेहरी में हमने, और दो पराठों में से आधा पराठा हमारा बच जाता है है ना विकी। और यह है जी मैंने शामी कबाब फ्राई किए। अच्छा भाई, तो ये वो वाले थैले हैं जिसमें जूतियाँ डाल के आपने रखनी होती है कहीं ना कहीं, तो किसी पेज नहीं भेजे मुझे, थैंक यू सो मच यार, ये मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा मुझे इन्होंने ये काउंटर तस्वीर भी भेजी है और साथ में मुझे ये वाले सोप भी भेजे हैं कि ज़्यारतों पर जाना है अगर आपने तो वहाँ पर हाथ धोने के साबुन वगैरह अगर ना भी हों तो आप इसमें से निकाल सकते, क्योंकि आप उम्र के टाइम तो आप कुछ भी खुशबू वाला यूज़ नहीं कर सकते पर ज़्यारतों पर यूज़ कर सकते हो। ये है जी हमारा तवाफ काउंटर। उसके अलावा मैंने अपना ये वाला बाया एक धोना है अभी, ये नीचे से गंदा हुआ है पैरों वाली साइड से। ये वकास का ड्रेस आया तो न्यू है ये सिल के, लेकिन इसमें ना ऑयल के दाग लग गए हैं, अबू की मशीन ना ऑयल लीक कर रही थी तो ये धोना है मैंने। और एहराम क्योंकि ना थोड़ा सा अकड़ा हुआ है तो एहराम धोना है बस मैंने। अब बस अभी मेरा यही वाला काम रह गया, बाकी सारे काम मेरे हो गए, पैकिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया है। अब मैं देखूँगी एक्स्ट्रा बायस अगर मैंने निकालने तो वो निकालूंगी ताकि सामान ज़्यादा ना हो जाए। बस ये लास्ट फेरा है मशीन का, ये लगा दूँ मैं अच्छा वैसे कवर की वजह से ना मशीन गंदी नहीं हुई है। तो भाई, तो ये वाला जो सामान है ना ये मुझे आया है इस पेज की तरफ से, लेंस कलेक्शन। ठीक है, मैं आपको व्लॉग में इसलिए दिखा रही हूँ कि काफ़ी सस्ते लेंसेज हैं इनके पास, इन्होंने मेरे फॉलोअर्स के लिए डील भी निकाली, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, लेंस कलेक्शन के पेज का मैं डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगी, मैं कोशिश करूंगी इनका व्हाट्सएप नंबर मुझे मिल जाए कहीं पे तो मैं वो भी लगा दूं। ठीक है, ये आप लोगों को क्या दे रहे हैं, रमदान डील है इनके पास, 3 लेंसेज हैं जिसमें आप अपनी मर्जी के शेड सेलेक्ट कर सकते हो, एक सॉल्यूशन जो कि लेंस का पानी होता है, एक पाउच, एक कम्फर्ट ड्रॉप वो जो छोटे वाले होते हैं, उसके बाद है जी ट्रेवल किट गिफ्ट, फेस शीट मास्क गिफ्ट, 2-3 लेंस के केस ओनली इन 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये है जी पानी वाली बोतल लेंस की, ये है अगर आपकी आई में कोई इरिटेशन हो जाती है तो ये उसके लिए डालते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी जो है वो किट है, इसके अंदर ये हमारे लेंसेज हैं सारे आप देख लें, ये हमारा शीट मास्क है, ये है जो ट्रैवल किट जिसके अंदर आपका लेंस एप्लीकेटर होता है, लेंस निकालने का होता है, एक लेंस की डब्बी होती है। ठीक है, और आप इस छोटी वाली बोतल में पानी डाल कर लेके जा सकते हो अपने साथ ईजिली। उसके बाद आप लेंस के कलर देख लो आप कितने प्यारे प्यारे हैं, ये सब लेंसेज हैं जो मैं पहले इन्हीं के लेंसेज यूज़ करती थी, फिर जब मैंने घर शिफ्ट किया तो मेरे लेंसेज जो है वो टूट गए थे, फिर मैंने इनको मैसेज किया था कि मुझे लेंसेज चाहिए तो फिर इन्होंने जो है मेरे फॉलोअर के लिए डील भी बना के भेजी है, आपने सिर्फ इनको बताना है कि हम नताशा वकास के फॉलोअर हैं। लेंसेज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ओरिजिनल लेंसेज हैं ये, वो लोकल लेंसेज नहीं है जो आपको शॉप वगैरह से मिलते हैं 300-350 के, ओरिजिनल लेंसेज हैं, आपकी आई में बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करते हैं, बल्कि आपकी आई की जो शेप है ना वो थोड़ी सी बड़ी भी लगती है इनको लगा के। ये देखें कलर भी आप देख लें कितने प्यारे हैं, और सारे कलर वही हैं जो मेरे घूम गए थे और टूट गए थे शिफ्टिंग के दौरान, तो फिर मैंने इनको कहा है कि आप प्लीज़ मुझे ये दाहब के लेंसेज जो हैं और ये जो इस ब्रांड के लेंस हैं मुझे दोबारा भेज दें, कलर्स मैंने इनको सारे बताए थे तो इन्होंने भेज दिए, तो इन्होंने बोला मैं आपके सारे फॉलोअर के लिए जो है वो डील बना रही हूँ एक, तो मैं इनका व्हाट्सअप नंबर भी डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो है इनका इंस्टाग्राम पेज भी डालूंगी, आप लोगों ने ज़रूर जाके इनसे बाय करना है। ठीक है, देखें ये एक जिप वाला पाउच भी है हमारे पास के लिए, क्या चीज है ये, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, न्यू चीज आई है यहाँ पे, ये काफी अच्छा लगा। हाँ, ये लड़कियों के लिए बहुत जरूरी चीज है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये देखो, ओह गॉड, करंट लगेगा उनको जो कोई हैरेस करे या तंग करे या कुछ भी, वैसे ये होना चाहिए सबके पास। और ये मैं यहाँ पे आया था, ये बहुत अच्छी चीज है, ये वैसे घर के लिए भी है ना, मैंने अपने लिए मंगवाई थी, मैंने 6000 की मंगवाई थी, मैं आपको बंदे का नंबर दे दूंगा, ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा अच्छा, 360.pk है कोई वेबसाइट, उनसे मैंने मंगवाई थी, चोर वगैरह के लिए भी सही है, दिखाए इसी में ये काफी अच्छा, ये आप डायरेक्ट बंदे को मार सकते हो और ये लंबा भी हो जाता है, अच्छा छोटा भी हो जाता है, और ये ऑन मतलब इसका टॉर्च भी है, इस तरह टॉर्च ऑन भी कहाँ से इसकी कम है। अच्छा भाई, अगर हमें हैंड बैग में रखने के लिए चाहिए छोटे वाले वो भी मिल जाएंगे टीजर, मुझे उनका नंबर दे दीजिएगा मुझे लेने हैं। और इन्हीं दिनों जो है ना हम फर्नीचर लेने के लिए गए थे वुड टेक पे PWD में, तो मैंने उसकी वीडियो शूट की थी पर ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग का, तो मैंने एडिटिंग करके वो मेन चैनल पे लगा दी थी, तो मैंने कहा चले यहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि सब पूछ रहे थे आप ही फर्नीचर लेना है आपके जैसा लेकिन रीजनेबल भी हो, अच्छा भी हो क्वालिटी वाइज,
और घर पे भी डिलीवर करते हैं। तो ये लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइजेस भी बहुत ही कम है, और 20 साल का जो है इनका एक्सपीरियंस है फील्ड में। तो मैं इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। आप लोगों ने कुछ भी लेना हो, आप इनके घर इनकी लोकेशन पर जाएँ, इनको विजिट करें। कोई भी फर्नीचर किसी भी डिज़ाइन में किसी भी कलर में आपको चाहिए, आप नेट से दिखा के भी बनवा सकते हो। आपको जो चीज़ चाहिए आपको एज इट इज़ बना के देंगे। अगर कभी कोई कंप्लेन भी आ जाती है ना, तो घर आके आपको ये या तो वो चीज़ ठीक करके देते हैं, या फिर ज़्यादा मसला हो तो आपको चीज़ रिपेयर करके रिप्लेस करके भी देते हैं अक्सर। तो मैं इनकी शॉप का लिंक, इनकी शॉप का एड्रेस, इनका फ़ोन नंबर सब कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग देख लें कितना अच्छा अलग क्वालिटी का फर्नीचर है, हर चीज़ की स्ट्रक्चर, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो आप लोगों ने ज़रूर इनसे बाय करना और बताना भी है कि मेरे रेफरेंस से। ओके भाई, तो ये मेरा आज का व्लॉग था, और अब नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मक्के में होगा हमारा, और मैं उमरा करके अपना खुशू से उसके बाद लगाऊंगी। अच्छा सब मुझसे पूछ रहे थे आपने बैग में रखा क्या क्या है, अगर तो मुझे टाइम मिला तो मैं आपको दिखा दूंगी मैंने हर वो चीज़ रखी है जो मुझे जिसने बोली थी, मैंने सब कुछ रख लिया था। तो बस अब आप लोग जो है वो अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और मैं लेंस वालों का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो सेफ्टी टीज़र होते हैं लड़कियों के बैग में होने चाहिए जो आजकल का माहौल है, तो वो भी आप लोग अपने लिए रख लेना बैग में, मुझे दुआओं में याद रखना, और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। ठीक है, वीडियोज़ जो है वो बनी हुई है, मैंने अपने मैनेजर को दे दी है, वो लगाता रहेगा टाइम टू टाइम, तो आप लोग देख लिया करना बस। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं, आप लोगों को पता है कि बहुत खर्चा है सर के ऊपर। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।